आपको कैसा लगा मनीषा रानी के साथ? हमने तो अप्रोच किया है ना। एल्विशा के हेटर्स को एक बार फिर एल्विश और मनीषा ने दिया मुंह तोड़ जवाब। एल्विश ने ये स्पेशल म्यूजिक वीडियो किया मनीषा रानी को डेडिकेट। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। जब से एल्विश यादव के साथ मनीषा रानी ने म्यूजिक वीडियो क्या किया, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि अगर मनीषा सांस भी ले ले तो बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो जा रही है। बहुत सारे फैंडम ऐसे हैं और ये मैं कहूँगा टॉक्सिक फैंडम है। मनीषा को भी अब इन फैंडम से दूर आ जाना चाहिए। मनीषा ने साफ कर दिया है कि अब उनको इंडिविजुअल सपोर्ट किया जाए। ये सारे हैशटैग रहे ना रहे, मनीषा के जो कल के बयान थे ना उसके बाद लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग करना शुरू किया। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहूँगा भाई मनीषा की जो भी ट्रोलिंग हो रही है वो बिल्कुल गलत है। मनीषा ने हमेशा ये कहा है कि सारे फैंडम अच्छे हैं, मैं सारे फैंडम को प्यार करती हूँ, लेकिन इस तरीके से टॉक्सिक फैंडम इट विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। ऐसे टॉक्सिक फैंडम तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं और मनीषा भी कहीं ना कहीं इन फैंडम से निकलना चाहती है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि मनीषा एल्विश के पास जाकर बदल गई है, एल्विश के सुर में सुर मिला रही है, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई मनीषा जो है वो खुद ब खुद इतनी समझदार है। मनीषा को पता है कि क्या कब स्टेप लेना है। यही वो बड़ी वजह है कि अभिषेक के साथ नहीं मनीषा ने एल्विश के साथ सॉन्ग चूज किया, जबकि अभिषेक ने पूरा ब्लेम जो है वो मनीषा पर लगा दिया। क्या अभिषेक को ज़रूरत थी ये बातें बताने की कि आपका म्यूज़िक वीडियो ऑफर हुआ है और मनीषा ने रिजेक्ट किया है? ये शायद अभिषेक का ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि उनको ब्लेम और इंसल्ट ही करवाना था। अगर ऐसे ही अगर आपको इंसल्ट करवाना है तो फिर उनको दोस्त बोलना छोड़ देना चाहिए। क्या ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है जो एल्विश ने किया? एल्विश के म्यूज़िक वीडियो का जो शूट है वो जिस दिन शुरू हुआ उस दिन लोगों को पता चला, वरना कानो कान किसी को पता नहीं था कि एल्विशा का सॉन्ग आने वाला है। अरे लोगों ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि एल्विशा का सॉन्ग आ सकता है। अब एल्विश ने खुद खुलासा कर दिया है कि ये जो म्यूज़िक वीडियो आ रहा है वो किसी भी लेबल का नहीं है, वो म्यूजिक वीडियो एल्विश यादव ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी हाउ इज योर एक्सपीरियंस शूटिंग विद अस? बहुत अच्छा लगा। पक्की बात है? चलो बहुत बहुत आपको कैसा लगा मनीषा रानी के साथ? हमने तो अप्रोच किया है ना आपको कि आप आइए हमारे साथ काम करें। अरे तो ऑब्वियसली हमें तो अच्छा ही लगेगा भाई। नहीं आप बोले, हम तो चाहते ही थे। ऑब्वियसली यार हम तो चाहते। मुझे भी बहुत अच्छा लगा पूरे टीम के साथ काम करके, बहुत मजा आया। और थैंक्स यार। ओ वाओ खुश हो गए हम तो सुबह सुबह। दिन अच्छा जाएगा हमारा ये सुन के ना। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। नहीं यहाँ पर एल्विश ने खुद ऑफर किया है ये म्यूजिक वीडियो। एल्विश ने साफ कर दिया भाई कोई मैनेजमेंट नहीं था, एल्विश ने मनीषा को ऑफर किया और मनीषा भी करना चाहती थी एल्विश के साथ सॉन्ग। अब बहुत सारे लोग अब मनीषा को हेट देने आ जाएंगे। मैं आपको उन सबसे कहना चाहूँगा भाई मनीषा का भी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, मनीषा को भी फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मनीषा को जो सॉन्ग अच्छा लगेगा वो करेंगी। मनीषा ने ये नहीं कहा कि उनके मैनेजमेंट ने हाँ बोली या ना बोली। एल्विश ने उन हेटर्स को जवाब देने के लिए बातें साफ की हैं कि मनीषा ने नहीं, मैंने मनीषा को ऑफर किया था और मनीषा के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस म्यूजिक वीडियो को। तो इससे बढ़िया और इससे अच्छी दोस्ती क्या हो सकती है? आप खुद एक बार सोच के देखो। मनीषा रानी के लिए इतना बड़ा म्यूजिक वीडियो खुद ब खुद राव साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये पहला म्यूजिक वीडियो होगा जो एल्विश यादव के खुद के प्रोडक्शन से आने वाला है। आप बताना कमेंट बॉक्स में आप कितने एक्साइटेड हो एल्विशा म्यूजिक वीडियो के लिए। और इसी तरीके की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।